मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। फिर इतना ही बड़ा एक और उद्योग है, भारत के 5 लाख से ज्यादा गांव में गाय पाली जाती है, गाय और देशी गाय, भारतीय नस्ल की गाय। थर पार्कर, साहिवाल, कांकरे, जमुई। अभी भारत में तकलीफ क्या है, गाय कट रही है और सबसे जास्ती देशी गाय कटते हैं, क्योंकि कानून ऐसा बना हुआ है जो गाय को कटवाता है और ये कानून अंग्रेजों के जमाने का है। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले गाय को कटवाना शुरू किया था इस देश में, और उसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि गाय कटे तो गाय का मांस वो खाएं और भारत के किसानों की बर्बादी हो। तब से गाय कटना शुरू हुआ। अंग्रेजों ने पहला कतलखाना बनाया कलकत्ता में, उसमें 300 गाय रोज कटती थी। अब वही कतल खाना 2010 में चलता है, अब उसमें 14,000 गाय रोज कटती, उसी कतल खाना। अंग्रेजों का आखिरी लुटेरा माउंटबेटन जब भारत छोड़कर गया था, तब 350 कतल खाने थे इस देश में। अब आजादी के 63 साल के बाद 36,000 कतल खाने थे इस देश में, बड़े पैमाने पर गाय कट रहे। तो हमें इसके लिए कानून को बदलना है। जो अंग्रेजों के समय से चला रहा कानून है उसको रिवर्स कर, गाय नहीं कटेगी पूरे देश में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी नहीं कटेगी, और जो गाय काटेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी, उसके हाथ काटे। भारत में ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं भूतकाल में, जिनके समय में ये कानून था कि जो गाय काटेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। आपको मालूम है ये कानून कैसे? अकबर के समय में ये कानून था, हुमायूं के समय में ये कानून था, औरंगजेब के समय में ये कानून था, बहादुर शाह जफर के समय में ये कानून था, आज भी जब मुस्लिम राजाओं का राज्य था उस समय ये कानून हो सकता है, आज तो नहीं हो सकता। और गाय तो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब उसका दूध पीते हैं, सबके लिए वो काम में आती है, और दूध ही नहीं पीते हैं, घी भी खाते हैं, उसके बछड़े खेत के लिए काम में आते हैं, उसका मूत्र औषधि के रूप में काम में आता है, उसका शेर औषधि के रूप में काम में आता है, उसके शरीर से आने वाली एक एक चीज कीमती है। तो ये कानून हमें बनाना, गाय कतल बंद कराना पूरे देश में। तो केंद्रीय स्तर पर कानून बनेगा तो राज्य उसको फॉलो करेंगे, और कठोर कानून होगा तो गाय कटना अपने आप बन जाएगा, जिसको गर्दन कटवानी है वो गाय काटेगा। और ये कानून बना के गाय का कत्ल अगर हमने रोका तो हर साल 10 करोड़ गायों की रक्षा होती, 10 कोटि गाय कटेंगे। गाय, बछड़े, बैल सब मिला, ये अगर बच जाएंगे हर साल तो क्या होने वाला है, गाय का शेर, गाय का मूत्र बढ़ेगा हमारे पास, वो शेर और मूत्र से हर गांव में औषधि बनाने का, उत्पादन बनाने का हम तंत्र खड़ा करेंगे। वो मूत्र से 48 औषधि बनती है, गाय के शेर से साबुन बनता है, मंजन बनता है, शैंपू बनता है, धूपबत्ती बनती है, अगरबत्ती बनती है, गाय के शेर से तो अभी टाइल्स बनना शुरू हुआ, घर में लगा सकते हैं, गोबर गैस में से गैस निकाल के आप सिलेंडर में बनते गाड़ी चला सकते, बहुत सारा। तो 5 लाख गांव में ये इंडस्ट्री हम शुरू करेंगे, गाय आधारित, इसमें कम से कम 20 कोटि लोगों को रोजगार मिले। फिर ऐसे ही तीसरी इंडस्ट्री हर गाँव में लानी है। भारत में आम पैदा होता है 3.5 लाख गांव, आम खा लेते हैं, उसकी तो गुठली है ना, ये बहुत कीमती,
आम की गुठली को क्रश करके जो तेल निकलता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है। तो हम गांव में जहां जहां आम है वहां गुठली है, और आम से रस निकाले मैंगो फ्रूटी, आम तो बिकता है 15-20 रुपए किलो, मैंगो फ्रूटी तो बिक जाती है 200-250 रुपए लीटर। तो रस की कीमत मिलेगी, गुठली की भी कीमत मिलेगी। ऐसे ही भारत के 3,50,000 गांव में खड़ू लिंग की जो इंबॉडी है उसको क्रैश करके तेल निकलता सारी दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे, क्योंकि जो मॉस्किटो रिपेलेंट है ना सबसे अच्छा खड़ू लिंग के तेल से बनता है। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में हम कर सकते, और इन उद्योगों में 10,00,000 कोटी रुपए खर्च होगा और रकम अपने पास 328,00,000 कोटी है, क्या मुश्किल है करेंगे। और इन उद्योगों में 65 कोटी लोगों को काम मिलेगा। फिर उसके बाद हमें दूसरा काम करना है, सभी गांव भारत में 24 तास उनको करंट मिलना चाहिए। जो मुंबई को मिल सकता है वो सब गांव को क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुंबई में मरीन ड्राइव एरिया में नरीमन पॉइंट में कभी करंट नहीं जाता एक मिनट के लिए, क्यों नहीं जाता? वहां देवता रहते हैं क्या? और हम सब देवते हैं क्या? राक्षस हैं। सारे देश के नागरिक एक हैं, संविधान ने सभी देश के नागरिकों को बराबर बनाए रखा है, तो मुंबई के लोग विशेष और गाँव में करंट नहीं, ये कैसे होगा? अगर करंट होगा तो सबको होगा, नहीं तो किसी को नहीं होगा। हमने इसकी योजना बनाई कि 24 तास करंट अगर ये सभी गांवों को, तो 1,00,000 मेगावाट करंट चाहिए पर आवर, पर अभी हमारे पास कमी है। तो हम 1,00,000 मेगावाट करंट पैदा करने के लिए काम करेंगे, कोशिश करेंगे। 1 मेगावाट करंट बनाने में 4 कोटी का खर्चा है, 1,00,000 मेगावाट बनाने में 4,00,000 कोटी खर्चे और रकम 328,00,000 कोटी है, क्या प्रॉब्लम है करेंगे? सभी गांवों को सड़क देनी है 7,00,000 कोटी में, फिर 12,00,000 कोटी खर्च करेंगे तो सब गांवों को स्कूल हॉस्पिटल, फिर 15,00,000 कोटी खर्च करेंगे तो पीने का पानी सभी को और खेत के लिए पानी सभी को, 50,00,000 कोटी का कुल खर्च करें तो हर गाँव को सब सुख सुविधाएं मिलेंगी और गाँव अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। गाँव एक बार खड़े हुए तो शहरों में जो आबादी आ गई है गांव छोड़कर, ये वापस सब गांव में जाएंगे, क्योंकि रोजगार इनको अपने ही गांव में मिलेगा, तो शहर पूरे ढंग से होगा। अभी पुणे की जो कैपेसिटी है उससे 2 गुने ज्यादा लोग पुणे में हैं, मुंबई की जितनी कैपेसिटी है उससे 3 पट जास्ती लोग मुंबई में हैं, दिल्ली की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 पट जास्ती दिल्ली में। क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर नहीं है। आप गांव-गांव रोजगार शुरू करा दो, उद्योग लगा दो, ये सब वापस चले जाएंगे, तो शहर भी ठीक हो जाएंगे, गांव भी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद हमारी योजना है कि आगे शहरों का अगर विकास करना है तो उसके लिए हम ये करने वाले हैं कि 50,00,000 कोटि में तो गाँव बन गए सारे, अब हमारे पास बचेगा करीब करीब 270,00,000 कोटी, 268,00,000 कोटि, उसको बैंक में जमा करें भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट, तो उसका ब्याज आएगा 26,00,000 कोटी, और उसके ब्याज को 5 साल इकट्ठा करें तो सब शहरों के विकास का काम हो जाए। 6 साल के बाद क्या करें 26,00,000 कोटी का, ये प्रश्न है, क्योंकि 5 साल में गांव और शहर सबका विकास है। तो हम लोगों ने तय किया है कि हर साल 26,00,000 कोटी जो आएगा ब्याज में 6 साल के बाद, उसकी मदद से भारत के कुछ पड़ोसी देशों की गरीबी दूर करेंगे पाकिस्तान को छोड़कर। और एक देश को छोड़कर उसका नाम है चीन। चीन और पाकिस्तान दो देशों को छोड़कर भारत के जितने पड़ोसी देश हैं इनकी मदद करें, और वो मदद के लिए ये पैसे खर्च करेंगे, और वो मदद करके अगर कई देशों की गरीबी मिट गई तो वो हमारे दोस्त हो जाएंगे, और इन 70 देशों की मदद से फिर हम
चीन और पाकिस्तान से पुराना हिसाब चुका है। हमारा एक सेटलमेंट बाकी है चीन के साथ। चीन में हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन ले रखी, वो वापस ले रहे, और जब तक वो वापस नहीं आएगी, 1962 के चीन युद्ध में जो शहीद हुए भारतीय सैनिक हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो जो भारतीय सैनिकों ने शहादत दी 1962 के युद्ध में, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित हम करेंगे 72,000 वर्ग मील जमीन वापस लेकर। और ये चीन देगा, कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि 70 देशों की तरफ से भारत के साथ मिलकर तिब्बत को आजाद कराने का अभियान चलाएंगे, तब चीन लेगा। ऐसे नहीं देने वाला। जब आप तिब्बत का सवाल उठाएंगे तब चीन डिफेंसिव होगा, फिर वो निगोशिएट करेगा आपसे, या तो तिब्बत आजाद होगा या तो हमारी जमीन आएगी, और हो सकता है दोनों ही हो जाए, तिब्बत भी आजाद हो जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हमने प्रयास करने हैं, और वो प्रयास ये करने हैं कि दुनिया में जो जो देश भारत के नजदीक आ सकते हैं और चीन के खिलाफ हैं, उनका एक अलग से ग्रुप बनाना और उन देशों की मदद करके ये काम करना। और एक बार चीन के साथ हमने सेटलमेंट कर लिया तो पाकिस्तान को फिर दिल दबा के ही पाएगा, क्योंकि उसको तो हमने छोड़ नहीं दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तो अगले 3-4 साल में ऐसे ही निपट लेगा, उसके 3 टुकड़े होने वाले हैं। एक टुकड़ा पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जाएगा, एक टुकड़ा पाकिस्तान का भारत में आएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक टुकड़ा रह जाएगा छोटा सा जिसको कभी भी कोई हथिया सकता। पाकिस्तान तो खुद टूटने जा रहा है, उसको तो कुछ करने ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही नहीं। लेकिन हमें एक काम कर देना है, वो ये कि पाकिस्तानी आतंकवादी बार बार भारत में आकर बम ब्लास्ट करते रहे और हम खामोश बैठे रहे, ये नहीं है। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होती, और अहिंसा का मतलब अपनी सुरक्षा ना करें, ये भी नहीं है। हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और अपनी रक्षा में उन सब स्थानों को ध्वस्त करने का अधिकार है जहां से आतंकवादी भारत में आए। अगर अमेरिका अफगानिस्तान को आकर बमबारी कर सकता है, ईरान को करने की तैयारी कर रहा है, थोड़े दिन पहले इराक को कर चुका है अपनी सुरक्षा के लिए, तो भारत क्यों नहीं करेगा? हम तो करेंगे अपनी रक्षा। जहां से आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, उनको तो टारगेट पे ही नहीं पड़ा, और आर्मी को इस बात की एयरफोर्स को छूट देनी पड़ेगी कि आप ये ऑपरेशन करो, क्योंकि आर्मी कई बार कह चुकी है, एयरफोर्स हमारी बार बार कह रही है, ये तो हमारे नपुंसक और कायर नेता है जो परमिशन नहीं दे रहे हैं। हमें इस देश को कायरता के जंजाल से निकालना। हम अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं, हम दया करुणा प्रेम वाले देश हैं लेकिन भीरू नहीं, कमजोर। हमारी कमजोरी हमें खत्म करनी है जो 1962 से चली आ रही है, अब नहीं करेंगे इसको, पर अंतरराष्ट्रीय 70 देशों की मदद से ये काम करेंगे। और एक काम हमें करना है कि 70 देश अगर हमारे साथ आते हैं तो उनके साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय अदालत में इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकदमा करना। उन्होंने जो लूटा हुआ धन है हमारे देश से, वो सारा हमें वापस चाहिए ब्याज के साथ, क्योंकि हमारे साथ, और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमने जमा किए हैं। ये सारा रिसर्च इसी काम के लिए किया है पिछले 15 साल, क्या क्या लूटा अंग्रेजों ने, उसके सारे रिकॉर्ड्स हम जमा करते रहे चुपचाप चुपचाप। अब हमारे पास 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, जिनको अंग्रेज भी नकार नहीं सकते क्योंकि उनके पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए होंगे क्या।
उन दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम लेके जाएंगे पिटीशन के शेप में और उनसे कहेंगे कि हमें न्याय चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय का सिद्धांत है कि कोई देश दूसरे को लूट नहीं सकता। जब ये मुकदमा होगा ना तो अंग्रेज चालाकी करेंगे, वो क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, कहेंगे कि ये सारा भारत ने हमें गिफ्ट में दिया, यही कहेंगे। तब हम वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे कि ये गिफ्ट है या लूट है, इसको अदालत तय करेगी। अंग्रेजों के कहने से तय नहीं हो जाएगा कि वो गिफ्ट है, कोई अपना घर लुटा के दूसरे को गिफ्ट थोड़ी देगा, अपने को गरीब और कंगाल बना के दूसरों को अमीर थोड़ी बनाता है। तो ये बात हमें करनी है, शायद इसमें 4-5 साल लग जाए, शायद 7-10 साल लग जाए, लेकिन ये करना। और इसको करके जो धन आएगा 300 लाख कोटी तो अंग्रेजों ने लिया था, आज के हिसाब से वो 1800 लाख कोटी बैठता है। अब ब्याज के साथ अगर हम जोड़ दें 2000 लाख कोटी से ऊपर है, इतनी बड़ी रकम हम उनसे लेंगे, गोल्ड के रूप में लेंगे, स्टर्लिंग पाउंड नहीं लेंगे उनका, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, कल गिर जाए तो डॉलर भी नहीं लेना, गोल्ड में लेना। तो आप बोलेंगे क्या ये गोल्ड मिलेगा? हाँ मिलेगा, जितना इंग्लैंड में रखा है उनके पास वो तो हम लेंगे, म्यूजियम्स में रखा है, भारत से लूटा होगा कोहिनूर हीरा उनके म्यूजियम में है, 4,500 से ज्यादा कोहिनूर हीरे जैसे हीरे के ही बराबर के पीस उनके पास है, बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात है वो सब लेंगे। और इंग्लैंड अगर कहे कि पूरा पैसा नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास और एक रास्ता है, उनकी जितनी कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उसमें से निकालेंगे। उनकी सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में है हिंदुस्तान लीवर, उस पर हमारी नजर है, पूरे देश में से इसकी संपत्ति को जब्त करेंगे। उनकी एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, उनकी एक कंपनी है लिप्टन, उनकी एक कंपनी है कैडबरीज, ऐसी हजारों कंपनियां हैं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके निकालिए, पैसे तो लेने हैं और सबक तो सिखाना है और दुनिया के देशों को भड़काएंगे कि तुम भी ले लो इनसे अपने पैसे। अफ्रीका वाले ले लो, चीन वाले ले लो, जापान वाले ले लो, निचोड़ लो खत्म करो, फिर गरीब हो जाए जो ये 16वीं शताब्दी में भुखमरी से मर रहे थे, फिर मरे 21वीं शताब्दी तभी न्याय होगा। और इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने, जो लूटा उसको यूरोप में बांटा, तब यूरोप खड़ा हुआ, तो यूरोप भरेगा उनका पैसा, वो भी भरेगा यूरोप भरेगा, तो ये तो करना। और ये सारा धन संपत्ति जब आएगा देश में, मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर हम ये धन लाते हैं इंग्लैंड वाला, इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? इसका इमीडिएट परिणाम ये होगा कि भारत का रुपया डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी तो $1.50 है, फिर पता है $1 में $7 हो गए, $7 per rupees। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, उसकी आमदनी 50% पहुंच जाएगी एक्सपोर्ट इनकम, और हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 50% सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट से आमदनी बढ़ेगी, इंपोर्ट का खर्चा घटेगा, तो ट्रेड सरप्लस होगा, और हमारा ट्रेड सरप्लस मैंने कैलकुलेट किया चीन से भी ज्यादा होगा, चीन भी हमसे पीछे रह जाएगा, अमेरिका भी पीछे रह नहीं जाएगा, ऐसा देश में। और इसमें दूसरी बड़ी क्रांति क्या होगी, जब रुपया डॉलर पहले तो बराबर, फिर बाद में रुपया स्ट्रॉन्ग डॉलर कमजोर, तो सारे भारतवासी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं ये सब वापस आए, क्योंकि ये गए ही इसलिए थे कि $1 में $50 मिले, और जब $1 में $7 मिलने लगेगा तो झटका ही नहीं क्या होगा, वापस आ जाएंगे। और इनको वापस लाके देश के विकास में लगाना है, 4 करोड़ भारतवासी इस समय विदेशों में है, ये वापस आएंगे तो टेक्नोलॉजी का ही हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे इस समय 36% वैज्ञानिक नासा में है,
अगर वो सब वापस आ जाए तो नासा जैसी 100 संस्थाएं बना सके। हमारे 41% इंजीनियर MIT में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो वापस आ जाए तो हम MIT जैसी 100 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो यूरोप और अमेरिका से जो बेस्ट क्वालिटी भारतीय दिमाग है ये वापस आएगा और ये दिमाग देश के काम में लगेगा तो ये देश को पूंजी से संपन्न हुआ, फिर ब्रेन भी हमारे पास है, भगवान के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन सब कुछ मौजूद है और मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग है, तो हमको कौन रोकेगा दुनिया में सबसे आगे जाने से? हम तो जाने वाले हैं सबसे आगे, चीन भी पीछे, अमेरिका भी पीछे, यूरोप भी पीछे, और तब दुनिया का संतुलन बनेगा। भूतकाल में ये देश सोने की चिड़िया था, भविष्य में सोने का शेर बनेगा। भूतकाल में ये देश विश्व गुरु था, भविष्य में फिर बनेगा। एक जमाना था जब तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए हजारों विदेशी आया करते थे, आप देखना इस देश में हजारों अमरीकी भीख मांग के आएंगे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। यूरोपियंस आएंगे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, और इनको नौकर बना के न्याय का सिद्धांत पूरा करेंगे, ये हमारी योजना है। अब इस योजना में आपकी थोड़ी मदद चाहिए, आप क्या मदद करें? ये योजना की शुरुआत होगी तो 5 कोटी हमारे पास नंबर हो और 50 कोटि लोगों तक हम हमारी बात पहुंचा दें तो 400 खासदार संसद में हमारे आ जाए, कानून बदलना शुरू हो जाए, ये योजना शुरू हो जाए। आपसे अपील है कि आप इसमें मेंबर बने और एक व्यक्ति 10 को और मेंबर बना दे, वो 10 और 10 को मेंबर बना दे, इस तरह से ये सारा काम चले। आप मेंबर बने, दूसरों को बनाए तो हम तेजी से 4 वर्ष में 5 कोटि हो सकते हैं। हमने इस लक्ष्य में क्या हर जिले में कम से कम 1 लाख मेंबर हम बनाएंगे, 680 जिले हैं, 6 कोटी 80 लाख मेंबर हमारे हो जाएंगे और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और आप मेंबर इसलिए भी बने इस अभियान में कि आपने अगर ये छोड़ दिया मौका तो भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। जानते हैं क्या होगा? काम तो ये होने वाला है, आप अगर इसमें नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे तुम क्या कर रहे थे जब भारत स्वाभिमान का अभियान चल रहा था, तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे अपने बच्चे। हम आपसे बड़े गर्व से कहते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो मेरे अच्छी मेरे अतोबा दोनों जेल गए, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, और अगर नहीं गए होते शर्म आपको भी शर्म आएगी ऐसे 4 साल, तो वो शर्म से बचाना चाहता हूं मैं आपको। आप गर्व से कहें हम भी भारत स्वाभिमान में शामिल थे जब ये काम हो रहा था, इसलिए आप आइए। और एक कारण है आपके आने का, आपको आना ही पड़ेगा इस अभियान में क्योंकि आप और हम सब 1857 के बिछड़े हुए क्रांतिवीरों की ही आत्माएं हैं जो इस शरीर में प्रवेश करके आई है, छूटा था इसलिए पूरा जीवन खुल गया, भगवान ने भेजा, पहले भेजा था 1857 और उस समय एक सन्यासी ने हमको इकट्ठा किया। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई ना उसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी कि क्रांतिवीरों को एक दूसरे के साथ मिलाना, झांसी रानी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे के साथ, तात्या टोपे को नाना साहब पेशवा के साथ, उनको किसी और के साथ, ये मिलाने वाले एक महान व्यक्ति थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। गांव गांव घूमकर उन्होंने ये नेटवर्किंग की थी। अब उस समय एक सन्यासी ने हमें इकट्ठा किया, अब फिर एक सन्यासी हमें इकट्ठा किया, परम पूजनीय स्वामी दयानंद, वो सन्यासी जिस परंपरा के थे ये सन्यासी भी उसी परंपरा। पर भारत में ऐसी मान्यता है कि सन्यासी जब संकल्प करते हैं तो भगवान भी वो संकल्प पूरा करते हैं। हमारे महाराष्ट्र का ही उदाहरण दूंगा, समर्थ गुरु रामदास एक सन्यासी तपस्वी व्यक्ति थे,
उन्होंने संकल्प किया कि औरंगजेब का शासन दक्षिण भारत से खत्म कराए। औरंगजेब बहुत अत्याचारी, बहुत विध्वंसक राजा, मंदिर तोड़ता था हिंदुओं के, मुसलमान बनाता था उनको, टैक्स लगाता था उनके ऊपर। ऐसे औरंगजेब का दक्षिण भारत से शासन समाप्त होना ही चाहिए, समर्थ गुरु रामदास ने संकल्प किया। और भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को इस देश में चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 70वें साल में समर्थ गुरु रामदास का संकल्प पूरा कर दिया। दक्षिण भारत से औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हुआ। बाद में औरंगजेब उत्तर तक भाग गया और वहीं जाकर मर गया और 1707 में मुगल साम्राज्य ही खत्म हुआ। सन्यासी का संकल्प ऐसा। एक और सन्यासी हुए, उनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। लातूर के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका संकल्प था हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाना। हैदराबाद का निजाम था वो बार बार कहता था कि मुझे तो पाकिस्तान जाना है, रियासत भी पाकिस्तान जाएगी। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि रियासत तो भारत में ही रहेगी, निजाम को जाना है वो पाकिस्तान जाए। और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए ही भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वामी रामतीर्थ का संकल्प पूरा करके हैदराबाद को भारत में मिला है। सन्यासियों के संकल्प ऐसे। अपने सन्यासी ने संकल्प किया परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कि विदेशी बैंकों में जमा 318 लाख कोटि वापस लाना है, ब्लैक मनी को खत्म कराना है, गरीबी भुखमरी बेकारी हटानी है, बीमारी और भूख से कोई ना मरे इस देश में, सब लोग समृद्धशाली हों, सबको न्याय मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले, ये संकल्प एक सन्यासी ने किया। और भगवान ने ये संकल्प पूरा कराने के लिए ही 2,40,000 योग शिक्षकों को भेज दिया। 11 लाख भी आने वाले हैं, 5 कोटी मेंबर भी होने वाले हैं। आप तो जल्दी से आ जाओ ताकि ये संकल्प पूरा हो जाए। और आप आओगे तो श्रेय आपको मिलेगा, यश आपको मिलेगा, नहीं तो कोई दूसरा देगा। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया कि आप इस अभियान में आए, शामिल हो, सदस्य बने, दूसरों को बनाए और दूसरे दूसरों को बनाए। इस तरह से ये अभियान गांव गांव, नगर नगर, गली गली तक पहुंचे। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया गया, वो आप जरा ध्यान से देखिए, वो हमारे सदस्यता का फॉर्म है। आप इसकी फोटो कॉपी भी करा सकते हैं, इसमें नाम पता फोन नंबर आदि आदि भर के आप हमको दे दीजिए। जब आप ये फॉर्म जमा करेंगे तो हमें आपसे 51 रुपये का दान चाहिए। और जो दान हम आपसे इसलिए मांग रहे हैं कि इस लड़ाई में लड़ने के लिए धन की भी जरूरत है। 1857 का जब आंदोलन हुआ था ना, 480 कोटी रुपये खर्च हुआ था उस समय। उस समय के 1 रुपए की आज 300 रुपए के बराबर कीमत है। तो 1857 में खर्च हुआ था, आज भी खर्च होगा। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये पैसे हम लाए कहां से। तो हमने कई बार सोचा कि बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनसे 50 करोड़, उनसे 100 करोड़ आदि आदि ले लें। लेकिन बाद में ख्याल आया कि अगर किसी करोड़पति से हमने पैसे लिए, जिंदगी भर उसका गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है।